DIY में ट्राई करके देख चुकी हूँ, लेकिन बालों में वॉल्यूम जान लस्टर नहीं है, बाल सिर्फ टूटते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों में थिकनेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने बालों को वापस से ला सकते हैं। एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दूंगी जिसका यूज करके आप अपने बालों में वॉल्यूम, थिकनेस, शाइन, हेल्दीनेस, हर एक चीज़ देख पाएंगे। एक क्वेश्चन आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि लास्ट कुछ महीनों से बालों में एक्स्ट्रा थिकनेस आई है। आप मेरे बालों की थिकनेस देख सकते हैं, आप बालों में शाइन देख सकते हैं, जान देख सकते हैं। अगर मैं दिखाऊं बालों में, ये देखिए कितने एकदम से खिले खिले बाल हैं, स्कैल्प कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। यानी आज का जो DIY है वो जान जान रखा हुआ है, मैं लंबे टाइम से उसको यूज करती आ रही हूँ। आपके बालों पर भी असर छोड़ के जाएगा, आपके बाल भी कुछ इस तरीके के बनना शुरू हो जाएंगे। इतना अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जो आपकी चाहत है ना, आप बोलते हैं बहुत बार दी आप जैसे बाल चाहिए, तो ऐसे बाल आपके बनना शुरू हो जाएंगे। दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, देखिए पढ़ के देखिएगा। आपका पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है छन्नी लेनी है आपको, उसके अंदर आपको 2 चम्मच कलौंजी सीड डाल देना है, ब्लैक सीड जिस भी नाम से आप इसको बोलते हैं, इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, आपके किचन में रखा हुआ आपको मिल सकता है। आपने पहले भी इसका यूज किया होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल रिजल्ट देके जाएगा। फिर आपको लेना है करी लीव्स, फ्रेश है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फ्रेश चीज़ें ज़्यादा कमाल की होती हैं। अगर नहीं है तो आप इसका पाउडर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको ले लेनी है और बिल्कुल हाथों से रब करके आपको इन्हें अच्छे से पानी के नीचे 2-3-4-5-6 बार वॉश कर लेना है। जब से मैंने इंग्रेडिएंट्स को वॉश करके यूज करना स्टार्ट किया है ना, तो उनका मुझे डबल फायदा मिलना शुरू हुआ है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज करते हैं उसको पहले वॉश करना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे मैंने कलौंजी छलनी में ली है ताकि ये पानी के थ्रू बह ना जाए, छन्नी में अच्छे से वॉश हो जाते हैं, तो आप भी छन्नी में वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, एक पैन, पैन के अंदर मैंने 1 गिलास पानी पहले से ही डाला हुआ है, 1 गिलास पानी मैं और डाल दे रही हूँ, यानी कि 2 गिलास आपको पानी लेना है, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमने धुले हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। ओके, अब जो ये कलौंजी है, इस इन काले बीजों का जिक्र आपको उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी यूरोप में, एशिया में, हर जगह आपको इसका यूज होता हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि होली बुक में, आयुर्वेद में, हमारी जो आयुर्वेद की बुक्स हैं, बाइबल में इन काले बीजों का जिक्र आपको मिलेगा कि ये कितने रामबाण हो सकते हैं आपके बालों के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए। और अगर आप इस तरीके से इन बीज का यूज करते हैं जैसा मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके बालों में वॉल्यूम, लस्टर, शाइन आने से आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे। आपको आपके बालों की पहले की क्लिक फोटो खींच लेनी है इसको लगाने से पहले, और बाद में जब आप इसको 30 दिन के लिए यूज कर चुके होंगे तब आपको फोटो खींचनी है, जहाँ से बाल उड़ चुके हैं वहाँ की भी और लेंथ की भी, और कंपैरिजन करेंगे। आप चाहें तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मेरे साथ भी आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस पानी को अच्छे से आपको उबालना है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, 10 मिनट घड़ी में देख लीजिए, जब आप इसको रखेंगे 10 मिनट हो जाएंगे फ्लेम ऑफ, और इसे आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, जब तक ये हमारा पानी ठंडा होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको लगाने से पहले आपको कौन सी प्रोसेस करनी जरूरी है। अगर आपने बालों पे ऑयल लगाया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया हुआ है तो ऑयल लगा लीजिए। जो भी ऑयल यूज करते हैं वही ऑयल आपको यहाँ पे यूज करना है। एक प्यारी सी चम्पी आपको बालों पे ऑयलिंग की करनी है, अच्छे से ऑयल लगाना है, ठीक है। चाहे तो कॉम कर सकते हैं, उसके बाद ऑयल लगा सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ, या फिर सिंपल ऑयल आप लगा सकते हैं। पहले से लगाया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, फिर आप ये जो हमारा पानी है इसका आप यूज करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को एक लास्ट वाला वीडियो दिया था कि मैंने आप लोगों को हीना एप्लीकेशन करके दिखाया था। अगर आप हीना को मेरे बताए हुए तरीके से लगाते हैं तो आपके बाल काले बनते हैं, आपके बालों में जान आती है, आपके बाल यानी कि बेहतर बनते जाते हैं, आपके बालों की लेंथ इंक्रीज होती है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो चेक कीजिए, देखिए। मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था कि मेरा थोड़ा सा हीना बचा हुआ है जिसका यूज मैं परसों करने वाली हूँ, यानी कि आज करने वाली हूँ। तो आज मैं अपने बालों पे हीना लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ब्लैक हमारी हीना हो चुकी है। ये सारा कमाल है आयरन की कड़ाही का। अगर आप आयरन के अंदर हीना रखेंगे तो इस तरीके से ब्लैक हो जाएगी, आपको डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके वाइट बाल हैं तो। तो आज मैं हीना लगा रही हूँ। आपको इस DIY लगाने से पहले, कलौंजी का पानी लगाने से पहले ऑयलिंग करना जरूरी है। ओके,
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑयलिंग कर ली, फिर आप बालों में शैम्पू कर देंगे, शैम्पू के थ्रू ऑयल को निकाल देंगे। अब आप बोलेंगे कि हाँ हमें तो पता लग गया है कि हम इसको रिंच वाटर की तरह यूज करने वाले। हाँ भाई, हम इसको रिंच वाटर की तरह यूज करने वाले हैं, लेकिन जैसे हम पहले यूज करते थे रिंच वाटर वैसे नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। हम आज अलग तरीके से रिंच वाटर यूज करेंगे। शैम्पू कर दिया और जो हमारा ये क्लोंजी और करील यूज का जो ये पानी है, इसे बालों पे डाल लिया आपने, ठीक है। डालने के बाद आपको सिंपल पानी के साथ वॉश नहीं करना है, इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे अपने बालों पे, अपने बालों को सुखा लीजिए। सिंपल पानी के साथ धोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे बाल। अब जिन लड़कियों के दिमाग में ये बात है कि ड्राइनेस तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी, आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। बाल सुखा लीजिए, बहुत बेहतर बाल बनते जाएंगे। जब ये पूरे 3-4 दिन आपके बालों पर रहेगा तो ये अच्छे से आपकी स्कैल्प पे काम कर पाएगा, आपके बालों को उगा पाएगा, आपके बालों को मोटा बना पाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो ऑयलिंग कर सकते हैं, अगर आपकी आदत है ऑयलिंग रखने की 3-4 दिन के लिए, या फिर सिंपली ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ऑयल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं भी कभी ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों पर ऑयलिंग करती हूँ। तो इस तरीके से एज ए रिंच वाटर आप इसको यूज करेंगे। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसको लगातार एक बार 30 दिन यूज करके देखिएगा। वीक में 3 बार इसको कंपलसरी है यूज करना, 2 बार भी कर सकते हैं लेकिन 3 बार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो डेफिनेटली इस रिंच वाटर को मेरे बताए हुए तरीके से यूज कीजिए। 30 दिन के बाद आइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इस DIY को लगाने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, कुछ इस तरीके की वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी जब आप इसका लगातार 4 या 5 महीने के लिए यूज करेंगे। रिजल्ट्स जहाँ तक है वो आपको 30 दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे, जब आप इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन DIY है। हिना एप्लीकेशन भी आप देख लीजिएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर आप लोगों को एज यूजुअल पसंद आ जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि आप लोगों को मेरे बालों में वॉल्यूम नज़र आती है क्या, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं क्या, उसका आंसर भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपका एक छोटा सा अंगूठा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, शेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है मुझे मोटिवेट करने के लिए। 1 मिलियन फैमिली हमारी कंप्लीट करा देनी है 2022 में। तो या तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, और तब तक के लिए टाटा बाय।